press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फ्रेंड्स, टुडे इज डे 3 और आज हम जा रहे हैं बैक टू होम और अभी बज रहे हैं 7:45 7:45 हो रहा है तो अभी टाइम हुआ है 7:45 यानी 7:45 और अभी निकल रहे हैं। लगभग सभी निकल गए हैं, एक दो भाई बजे में जैसे तो लेट होते हैं हमेशा, तो अभी निकलते हैं, मिलते रास्ते में। और रोरू में हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। रोरू यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर होगा, तो आज पूरा दिन लगने वाला है। रात को करीबन 10-11 बज जाएंगे पहुँचते, अगर हम टाइम से चलते हैं तो, और वरना और भी लेट हो सकता है। तो अभी निकलते हैं, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, ठंड लग रही है, ग्लव्स वगैरह पहने नहीं है, ग्लव्स पहनते हैं, निकलते हैं, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे मॉर्निंग में व्यूज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा ओशम होते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठना भी एक ही अलग ही आनंद है, बट मैं इतना जल्दी उठता नहीं हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि उठ जाऊँ। तो आज उठ गया टाइम से, तो व्यूज़ वगैरह देखे तो मज़ा ही आ गया। एक दो पिक्चर भी क्लिक किए थे, काफ़ी अच्छे पिक्चर आए हैं। और हेलमेट फोग अप हो रहा है, जैसे मॉर्निंग में होता ही है, अगर आप ब्रीथ करते हैं बोलते हैं कुछ, बोलने से नहीं ब्रीथिंग से ही होता है, अंदर से हेलमेट फोग अप हो जाता है, तो खोलने का मन भी नहीं कर रहा है वाइज़र वगैरह, क्योंकि खोलूँगा तो ठंड लगेगी, तो इसलिए बंद ही रखा है अभी तक। तो वैसे कल का दिन काफ़ी मज़ेदार रहा, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस वाली, तो मैं एक कार्ड डाल दूंगा ऊपर, जो कहीं लेफ्ट साइड में ऊपर आ रहा होगा अभी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उसको प्ले कर सकते हैं। कभी कैंपिंग के लिए सोच रहे हैं तो आप उस प्लेस पे जा सकते हैं, करीबन 16-17 किलोमीटर होगा रोडू से। काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, रात को काफ़ी अच्छी नींद आई, इतनी ठंड भी नहीं लगी जितनी पहले दिन वहाँ पे लगी थी, क्योंकि वो हिल टॉप पे था और ये नीचे था, तो काफ़ी फ़र्क था वेदर में। और बिल्कुल फ्रेश महसूस कर रहा हूँ मैं अभी तो, और या तो राइड करने में ज़्यादा आनंद आने वाला है। बाकी ऑलमोस्ट रोड में आ चुके हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट पॉइंट पर। सो गाइस, मैं अभी रो रूम में हूँ और काफ़ी बड़ी सिटी है, आई थिंक टूरिस्ट वगैरह तो कम ही आते होंगे, क्योंकि एक हिल स्टेशन नहीं है, तो दैट्स वाई। और अभी निकल रहे हैं आगे की तरफ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, आगे बाइकर भी जा रहे हैं,
तो आगे थोड़ा बहुत आगे चल के कोई रेस्टोरेंट मिलता है, वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। सो गाइस, अपडेट ये है कि रोरो में हम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी नहीं खुला हुआ था, विंटर सीजन है, तो रेस्टोरेंट वगैरह या कुछ भी शॉप वगैरह जल्दी खुलती नहीं है क्योंकि ठंड में थोड़ा लेट ही होता है काम वगैरह, तो दैट्स वाई। और अभी हम आगे जा रहे हैं शायद खड़ा पत्थर में जाके हम ब्रेकफास्ट करें। या गाइस गेस व्हाट, आई एम इन द सेम लोकेशन जो कल जहाँ ब्रेकफास्ट किया, सेम लोकेशन ब्रेकफास्ट करे खड़ा पत्थर, जहाँ हमने कैंपिंग भी की थी, थोड़ा ऊपर चल के कैंपिंग की थी हिल टॉप पे। और अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, ब्रेकफास्ट कल भी काफ़ी डिलीशियस था और आज भी वैसे ही उम्मीद रखते हैं, और चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा दिल्ली पहुँचते। चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइस, वी फाइनली लीविंग, और इस बार हम शिमला होकर निकल रहे हैं, और अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं, तो देखते हैं कितने तक हम शिमला पहुंच पाते हैं। और काफ़ी राइडर पीछे रह गए हैं क्योंकि एक बाइक में प्रॉब्लम आ गई थी तो वो रुक गए हैं, तो उन्होंने बाइक ठीक कराई और उन्होंने रोरू में ही ब्रेकफास्ट कर लिया, और हमने किया था खड़ा पत्थर। रूट इस बार रहेगा, तो अभी जैसे कि रोरू से निकले थे तो रोरू के बाद अब खड़ा पत्थर, थियोग, फागु, कुफरी, शिमला, और फिर आगे वही अपना चंडीगढ़ वाला रूट रहेगा, फिर चंडीगढ़ जीरकपुर मिलने वाले हैं बाकी राइडर्स, तो वहाँ जाके सब मर्ज हो जाएंगे। जीरकपुर से थोड़ा सा पहले एक टोल टैक्स आता है शायद, वहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट रहेगा जब बाकी राइडर्स और सारे एक साथ हो जाएंगे, और उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आधे से ज़्यादा राइड कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद रोड भी स्ट्रेट हो जाएंगे, तो काफ़ी इजी हो जाएगा राइड करना। बाकी राइड काफ़ी अच्छी गई, बाकी चंचल पास के लिए आए थे तो चंचल पास भी कवर किया बट बाइक पर नहीं कर पाए, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही बट इतनी भी नहीं क्योंकि आगे गाड़ी से कवर कर लिया और पहुँच गए चंचल पास। मेन ये है कि चंचल पास पहुंचना था, अगर आप विंटर्स में अगर चंचल पास आना चाहते हैं तो अगर स्नो वगैरह पड़ जाए तो आपको वही स्नो चैन वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, चाहे आपने कैसे भी टायर लगवा रखे हो, अगर रास्ते पर स्नो ज़्यादा है, हल्की फुल्की से ज़्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली स्नो चैन का यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि आप चले तो जाएंगे पर आने में दिक्कत आती है। इसलिए हमारा करेक्ट डिसीजन था कि हमने आगे नहीं बढ़े, हमने वहीं रुक गए और उसके बाद हम गाड़ी से कंटिन्यू किया और चंचल पास पहुंच गए, तो सब नहीं जा पाए, थोड़े औरों को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी बट लिमिटेड सीट ही थी गाड़ी में तो उतने ही जा सकते हैं। और ये भी नहीं है कि दोबारा चले जाएं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था तो टाइम बाउंडेशन वगैरह भी थी, तो इसलिए बाकी भी नहीं कर पाए। कोई नहीं, होता है, थोड़ा बहुत चलता है राइड वगैरह पे, वेदर पे अपना कंट्रोल नहीं क्योंकि दो दिन पहले ही स्नो फॉल हुई थी तो बिल्कुल फ्रेश स्नो थी वहाँ पे, तो दैट्स वाई, तो इतनी स्नो की उम्मीद नहीं थी हमें जितनी हमें मिल गई। सो गाइस, वी फाइनली रीच शिमला, और इसके बाद तो सफ़र जाना पहचाना है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है, बाकी रोड भी काफ़ी अच्छा, एक दो पैच आते हैं बीच में जो थोड़े से ख़राब है, शायद बन भी गए हों, पता नहीं, अभी तो उम्मीद रखता हूँ बन गए होंगे। और अभी थोड़ी देर यहाँ 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे, तो बाकी राइडर्स वगैरह गैदर हो जाएंगे यहाँ पे थोड़े बहुत आगे पीछे हैं, उसके बाद एक साथ चलेंगे आगे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, वी हैड लंच और काफ़ी अच्छा ढाबा था, कौन सा ढाबा भाई? सेठी ढाबा, काफ़ी अच्छा ढाबा था, और ये जीरकपुर में पड़ता है, और अभी निकल रहे हैं घर की तरफ, तो अभी बज चुके हैं शाम के 5, मे बी 9:30 बजे तक घर पहुंच जाएं, उससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते हैं, तो निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में आपसे। सो गाइस, टाइम टू रिफ्यूल, और मे बी ये लास्ट फ्यूल ब्रेक होगा, आई होप सो, आई थिंक आई डन विद फ्यूल ब्रेक। सो दिल्ली इज़ अंडर 200 किलोमीटर, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 3 से 4 घंटे मैक्स। सो दिल्ली यहाँ से
अंडर 200 किलोमीटर है। आई विल बी एंडिंग माई वीडियो राइट हियर राइट नाउ बिकॉज आगे उस दिखाने के लिए है नहीं और अंधेरा वैसे हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।